मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा लेसन सेकंड चल रहा है, उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ठीक है। नाइन्थ क्लास का सेकंड चैप्टर, इज मैटर अराउंड अस प्योर। हमने एक्सरसाइज 2.2, 2.3 के क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 के, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4 के दो क्वेश्चन सेम्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल और केमिकल चेंज। हमें क्लासीफाई करने हैं, नीचे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं कि ये फिजिकल चेंज है हुआ है उसके अंदर या फिर केमिकल चेंज। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए फिजिकल चेंज किसको बोलेंगे और केमिकल चेंज किसको बोलेंगे। तो हमने जब लेसन पढ़ा था उसमें देखा था कि फिजिकल चेंज के अंदर क्या था, मेनली क्या होता है, स्टेट के अंदर इंटर कन्वर्जन होता है, सॉलिड स्टेट लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगी, लिक्विड गैस के अंदर। तो तीनों स्टेट के अंदर जो कंपोजिशन है मैटर की वो क्या रहती है, सेम, कोई चेंज नहीं होता। मान लीजिए हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, तो सॉलिड वाटर है, ठीक है, आइस है, या फिर लिक्विड वाटर है, या फिर वेपर फॉर्म है वाटर की, तो तीनों के अंदर क्या होता है, H2O से मिलकर बना होता है। तो जो कंपोजिशन है तीनों के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है, तो कंपोजिशन तीनों के अंदर सेम है लेकिन स्टेट डिफरेंट है। तो उसको हम बोलेंगे कि उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, या हम बोल सकते हैं फिजिकली जिसको हम देख सकते हैं वो चेंज फिजिकली होगा। लेकिन केमिकल चेंज के अंदर क्या होता है, कंपोजिशन के अंदर डिफरेंस, ठीक है, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, कोई नया सब्सटेंस बनता है तो बोलते हैं कि उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ है। अगर सेम सब्सटेंस है बस स्टेट के अंदर इंटर कन्वर्जन है तो बोलेंगे उसके अंदर फिजिकल। अब हम इसको ज़्यादा एग्जाम्पल से देखते हैं। तो सबसे पहला है कटिंग ऑफ ट्रीज। जब हम ट्रीज को काटते हैं तो उस टाइम जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज या फिर केमिकल चेंज। अब ट्री था, पहले ट्री था वो, उसके बाद काटने के बाद भी क्या है, उसका पार्ट अलग किया है, उसको हम चेंज को देख सकते हैं, कोई केमिकल टाइप की रिएक्शन तो उसके अंदर हुई नहीं, कंपोजिशन सेम है, पहले भी ट्री था, काटने के बाद भी वो ट्री ही है, तो उसको हम बोलेंगे कि उसके अंदर क्या हुआ है, फिजिकल चेंज। उसके बाद आता है हमारा सेकंड एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ बटर इन ए पैन। अगर जो बटर है उसका मेल्ट होना किसी बर्तन के अंदर, अब मेल्ट होना क्या है, पहले बटर सॉलिड स्टेट में था, मेल्ट हो गया लिक्विड स्टेट में हो गया, तो ये क्या है, स्टेट के अंदर कन्वर्जन था। तो वो बटर पहले भी सॉलिड स्टेट में भी बटर ही है वो, और लिक्विड स्टेट के अंदर भी बटर की है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो बटर है उसके अंदर क्या हुआ है, फिजिकल चेंज, ठीक है। उसके बाद है थर्ड हमारा, रस्टिंग ऑफ अलमीरा। अलमीरा है उसके ऊपर रस्ट लग गया है, तो इसको क्या बोलेंगे, उसके अंदर केमिकल चेंज हुआ या फिर फिजिकल चेंज। अब हमें पता है, वैसे तो ये बहुत स्लो प्रोसेस है रस्टिंग ऑफ अलमीरा, बहुत टाइम रिक्वायर होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, अलमीरा किसकी बनी होती है, आयरन की मेनली। जब आयरन ऑक्सीजन एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, तो उसके साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाती है, इसको बोलते हैं रस्ट। जैसे हम देख सकते हैं आयरन प्लस में ऑक्सीजन और प्लस में मॉइस्चर जो प्रेजेंट होता है, ये तीनों मिलके क्या करते हैं, Fe2O3XH2O, ठीक है, तो ये क्या है, रस्ट। तो हम बोल सकते हैं ये इसके अंदर क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन आयरन के बीच में, ऑक्सीजन के बीच में और H2O के बीच में, तो इसके अंदर क्या बोलेंगे हम कि केमिकल चेंज हुआ है, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई है, नया सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो इसके रस्टिंग ऑफ अलमीरा क्या है, केमिकल चेंज। उसके बाद है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम। वाटर का बॉयल होना और स्टीम का बनना, वाटर लिक्विड स्टेट से बॉयल होके किसके अंदर चेंज हो गया, वेपर स्टेट के अंदर। तो इसके अंदर क्या है, इसकी जो स्टेट है वो तो सॉरी जो कंपोजिशन है वो क्या है, सेम है, H2O की कंपोजिशन सेम है, तो हम बोलेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ है, फिजिकल चेंज स्टेट के, बस सीधा सा है। अगर स्टेट के अंदर वो कन्वर्जन पूछता है, भाई मेल्ट होगी कोई भी चीज़, ठीक है, बॉयल होगी, तो हम क्या कहेंगे कि उसके अंदर क्या है, फिजिकल चेंज, ठीक है। फिर है पासिंग
ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड वाटर ब्रेकिंग इनटू H2 एंड O2 गैस। जब हम H2O के ऊपर अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस टेक्निक, ठीक है, तो क्या होगा, ये H2 के अंदर ब्रेक हो जाए और ऑक्सीजन के अंदर ब्रेक हो जाए। पहले क्या था हमारा H2O, करंट पास करने के बाद क्या बन गया, H2 गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये क्या है, दोनों पहले H2O था, इनकी कंपोजिशन और इसकी कंपोजिशन अलग अलग है। ये तो था लिक्विड स्टेट पे और ये हो गया गैसी स्टेज पे, और स्टेट के साथ साथ इनके अंदर क्या कंपोजिशन है वो भी क्या कर रही है, वेरी, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस बन गई और ये ऑक्सीजन गैस, तो इसके अंदर क्या हुआ, एक केमिकल रिएक्शन हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर क्या है, केमिकल चेंजेस। उसके बाद है डिजोल्विंग कॉमन साल्ट इन वाटर। कॉमन साल्ट को हम वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे तो उसके अंदर क्या चेंज होगा, अब साल्ट है उसको वाटर के अंदर डिजोल्व कर देंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, कोई किसी टाइप की केमिकल रिएक्शन तो हुई नहीं ना, कोई एक ऑक्सीजन के साथ किसी टाइप की रिएक्शन, साल्ट था वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया, साल्ट पहले सॉलिड स्टेट में था, अब कन्वर्ट होके लिक्विड स्टेट पे कन्वर्ट हो गया, तो इसके अंदर बोलेंगे कि इसके अंदर क्या हुआ है, फिजिकल चेंज। उसके बाद है मेकिंग ए फ्रूट सलाद विद रॉ फ्रूट्स। फ्रूट से हम सलाद बनाते हैं तो उसके अंदर क्या चेंज होता है, अब ये बताओ कोई भी फ्रूट है, अगर सलाद बनाने से पहले उसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट था और सलाद बनाने के बाद जो कंटेंट प्रेजेंट है उसके अंदर कोई चेंज है तो सेम ही, जिसे फ्रूट बना था उससे ही सलाद बना है, उसके अंदर सिर्फ क्या है, साइज के अंदर डिफरेंस हो गया, पहले बड़ा था फिर सलाद काटने के बाद वो छोटे हो गए, तो इसके अंदर इसके जो अंदर जो चेंज है उसको हम क्या है, फिजिकली देख भी सकते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसके अंदर फिजिकल चेंज हुआ है। उसके बाद है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। पेपर और लकड़ी को जलाना किस टाइप का चेंजेज है, अब ये देखो अगर कोई भी चीज़ है उसको हम जलाएंगे तो उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज, क्यों, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन के साथ जो पेपर है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन या फिर वुड है केमिकल रिएक्शन करता है फिर वो जलती है, तो किसके अंदर क्या है, केमिकल रिएक्शन हुई, इसलिए हम बोलेंगे कि केमिकल चेंज। अब पेपर के बर्निंग के बाद जो हमें मिलता है ऐस, ठीक है, राख होती है जो लकड़ी के जलने के बाद, उसकी कंपोजिशन अलग है और वुड की कंपोजिशन अलग है, तो इसके अंदर क्या है, कंपोजिशन के अंदर भी चेंज है। तो कोई भी चीज़ है ये ध्यान रखना, अगर किसी स्टेट के अंदर इंटरकन्वर्जन है तो हम बोलेंगे कि फिजिकल चेंज हुआ, कोई केमिकल टाइप की रिएक्शन है, कंपोजिशन के अंदर चेंज हुआ है तो केमिकल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन, ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंस और मिक्सर। हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी हमने, उनको ये बताओ कि कौन सी चीज़ प्योर है और कौन सी मिक्सर है। अब वाटर है, वाटर क्या है, प्योर। प्योर कैसे बोलेंगे कि सिर्फ के अंदर क्या है, सिर्फ H2O, तो ये प्योर है, इसके अब इसके अंदर कोई अलग टाइप का प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन सोयल है जैसे, तो सोयल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या होता है, मिक्सर, ठीक है। साल्ट है, साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, तो उसके अंदर सिर्फ NaCl ही होगा, कोई अलग टाइप का कंपाउंड प्रेजेंट नहीं हो सकता। आयरन है, Fe, डायमंड है, वो किससे मिलके बना होता है, कार्बन का एलोट्रोप्स होता है, तो इसके अंदर कार्बन से बना है, तो ये क्या है, प्योर। एयर है, एयर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो हम एयर को क्या नहीं बोल सकते, प्योर नहीं बोल सकते, अगर सिर्फ एक टाइप की गैसेज है तो उसको बोलते हैं प्योर। स्टील है, ठीक है, तो स्टील क्या होता है, मिक्सचर होता है, ये भी दो मेटल्स का, स्टील मान लीजिए कॉपर और जिंक को मिला देते हैं, मतलब मिक्सचर, ये स्टील क्या होता है, एक टाइप की एलॉय होती है मिक्सचर, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। मिल्क है जैसे, उसको हम प्योर नहीं बोल सकते क्योंकि मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, फैट भी, वाटर भी, तो वो क्या है, एक टाइप का मिक्सचर।
थैंक यू स्टूडेंट्स।